फटा 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। वंदे भारत, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इन दिनों अति आत्मविश्वास का बुखार चढ़ा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इमरान खान ने उस बैठक की मेजबानी करने की इच्छा जाहिर की है जिसके लिए उसे एक बार पहले नकारा जा चुका है। दरअसल इमरान खान ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क समिट की मेजबानी करने की इच्छा जाहिर की है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सार्क समिट के महासचिव एसाला रुवन विराकून से मुलाकात की थी, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा इस बैठक के दौरान इमरान खान के दिए गए बयान का जिक्र हुआ। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय द्वारा ये कहा गया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने दक्षेश यानी सार्क समिट के रास्ते में बनाई गई कृत्रिम बाधा को हटा दिए जाने पर पाकिस्तान में दक्षेश शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को लेकर आशा व्यक्त की है। अब इमरान खान यहाँ ये भूल गए हैं कि विवाद कृत्रिम नहीं बल्कि आतंकवाद है। हालांकि ये देखना होगा कि भारत पाकिस्तान की इस गुजारिश को मानेगा या नहीं। दरअसल साल 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इस बैठक का आयोजन होना था और 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान द्वारा किए गए उरी हमले के बाद भारत समेत बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक से दूरी बना ली थी और तब से अब तक कोई भी द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। आपको बता दें, सार्क अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का एक क्षेत्रीय समूह है। आखिरी बार इसकी मेजबानी नेपाल ने की थी, जिसका आयोजन 2014 में काठमांडू में संपन्न हुआ था, जिसके बाद 2016 में इसकी मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने कई सख्त कदम उठाए, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक, कठोर कूटनीतिक फैसले और प्रतिबंधों को शामिल किया गया। सार्क समिट के महासचिव एसाला रुवन विराकून से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने क्षेत्रीय उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में काम करने की बात कही, जिसमें परिवर्तन, शिक्षा, गरीबी, ऊर्जा और स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। दरअसल श्रीलंका के अम्बेसडर विराकून ने पिछले साल मार्च में सार्क के महासचिव के रूप में पदभार संभाला था और कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ये मुलाकात की। अब इमरान खान द्वारा दिए गए इस बयान के बाद भारत पाकिस्तान की कृत्रिम चुनौतियों को आसान करेगा या नहीं, ये देखना होगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि भारत सरकार का सार्क समिट के आयोजन को लेकर क्या पक्ष होगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत तक।